हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज IBPS RRB का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो चुका है। पिछले काफ़ी टाइम से अनऑफिशियल नोटिफिकेशन जो थे इंटरनेट पे अपलोड किए जा रहे थे, तो आज जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन IBPS के द्वारा वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम बात करेंगे RRB असिस्टेंट और RRB ऑफिसर स्केल 1 जो है उसका क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, और थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि सर क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं राजस्थान से हूँ, मैं गुजरात में अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, इन सभी क्वेश्चंस के आज मैं आंसर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा नाम है रमनदीप सिंह, एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले एज का क्राइटेरिया, मैं नोटिफिकेशन पे भी अभी आऊँगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 जुलाई 1989 से पहले या 1 जुलाई 1999, इसके बीच में अगर आपका जो DOB आता है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं एलिजिबल। ठीक है, 18 to 28 ईयर्स का वो आपका बनता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 to 30 ईयर्स है, 3 जुलाई 1987 से लेके 30 जून 1999 तक। तो ये आपके एज के क्राइटेरिया हैं। एज रिलैक्सेशन थोड़ा मिलता है ST ST कैंडिडेट, OBC और PWD कैंडिडेट्स को, तो ये तो मिलता ही आपको पता ही है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। तो ये डेट्स हमारे पास आ चुकी हैं 24 जुलाई 2017 से 14 अगस्त 2017 तक। तो ये डेट्स हैं हमारे पास। परसों से जो है जो एप्लीकेशन की डेट शुरू हो रही हैं और परसों से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद जब फी आप पे कर देंगे तो अगस्त में आपका कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएंगे। एग्ज़ाम की डेट हम देख लेते हैं, प्री का जो एग्ज़ाम होना है, जो स्केल 1 का एग्ज़ाम है वो 9 सितंबर 2017 और 10 सितंबर, उसके बाद 16 सितंबर इफ़ रिक्वायर्ड इन्होंने लिखा है। इसका मतलब है 9 और 10 के अलावा अगर इनके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो 16 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, नहीं तो ये 2 दिनों में ही ये निपटा देंगे। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी सेम तरीके से इन्होंने लिखा है, 17 और 23 को तो पेपर होगा ही होगा, लेकिन अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई तो 24 को भी पेपर हो सकता है। प्रीलिम का रिजल्ट जो है वो अक्टूबर 2017 ऑफिस स्केल 1 का, और दोनों का अक्टूबर 2017 को जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए अभी प्रीलिम तक की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न बताने से पहले, वैसे तो आपको पता ही होगा एग्ज़ाम पैटर्न, ये हमारा जो असिस्टेंट है ऑफिस असिस्टेंट उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कोई इंग्लिश नहीं होती है प्री के पेपर में, सीधा रीजनिंग 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी के। और जो ऑफिसर स्केल 1 है उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी की जगह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। 45 मिनट का पेपर होता है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, 45 मिनट पूरे के पूरे दिए जाते हैं। अब दोनों सेक्शंस में जैसे मर्जी टाइम अलॉट कर दें, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 80 क्वेश्चन करने 45 मिनट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट स्टूडेंट्स करते हैं, ये करना पड़ेगा आपको अभी। ये चलिए मेंस का पेपर बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको जो है नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन दिखाना बहुत ज़रूरी है आपको स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या मैं इसके लिए एलिजिबिलिटी जो अलग अलग स्टेट्स की है, ये देखिए, ये जो बैंक देखिए, उत्तर प्रदेश का कोई भी बैंक है, या देख लीजिए ये उत्तर प्रदेश के बैंक्स हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपने 10th तक तो अगर हिंदी पढ़ी हुई है, हिंदी उर्दू संस्कृत ये लैंग्वेजेस अगर आपने 10th 10th+2 ग्रेजुएशन कभी भी पढ़ी हैं तब तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी और आपको हिंदी आती है फिर भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन 6 महीने बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग से पहले ही एक्चुअली, वो आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे और आपको न्यूज़पेपर पढ़वा के देख सकते हैं, आपसे हिंदी में बातचीत करके देख सकते हैं। तो एक टेस्ट होता है, सिंपल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसे बोलते हैं, चाहे आपने हिंदी पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, 10th+2 में नहीं भी पढ़ी फिर भी अप्लाई कर दो अगर हिंदी आती है तो। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि गुजरात में जैसे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं,
गुजरात के कुछ एक बैंक यहाँ पे होंगे, वहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी होती हैं, लेकिन इधर उधर के राजस्थान के और यूपी के स्टूडेंट जो कहते हैं जी हमने गुजरात से अप्लाई करना है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? ये देखिए, जैसे देना गुजरात ग्रामीण बैंक है, यहाँ पे कई स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे गुजरात से अप्लाई करना है, क्या आपको गुजराती आती है? पहला क्वेश्चन, क्या आपको गुजराती आती है कि नहीं आती? अगर आपको गुजराती नहीं आती है तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। 10th प्लस 2 ग्रेजुएशन में कभी गुजराती आपने पढ़ा है? अगर आपका आंसर नहीं है और आपको गुजराती भी नहीं आती तो अप्लाई मत कीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स आके मुझे कहते हैं सर 2-3 महीने में लैंग्वेज सीख लेंगे, गुजराती में ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप अपना जो चांस है वो ख़राब कर रहे हैं, अपनी मेहनत ख़राब कर रहे हैं। पेपर क्लियर करके, मेंस क्लियर करके आप वहाँ तक पहुँचेंगे और वहाँ से आपको लौटा दिया जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन कर करके पूछते हैं सर ये गुजराती गुजरात में अप्लाई कर दें और आसानी से जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, ये गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट आपको बताता हूँ वैकेंसीज के बारे में। ये देखिए, वैकेंसीज काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं इस बार, अगर ध्यान से देखें। ये देखिए, आंध्र प्रदेश टोटल वैकेंसी देखिए 25, 125, 100, एक एक बैंक की ये वैकेंसी है। जैसे एक्सपेक्ट किया गया था कि पीसी वगैरह लग चुका हुआ है, और वो पीओ आईबीपीएस पीओ के बारे में बात की जा रही थी कि पीसी वगैरह लग चुका है और वैकेंसीज कम आएंगी, लेकिन रूरल बैंक्स में इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। अगर मैं खाली बिहार की ही बात करूं, ये देखिए 300 और 502 वैकेंसीज, या ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी, 502 तो ऑफिस असिस्टेंट की ही वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो ध्यान से देखिए, अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। 267 वैकेंसी हरियाणा में देखिए, सिर्फ एक ही ग्रामीण बैंक है और उसमें भी 267 की वैकेंसी आई है इस बार। कर्नाटका में देख लीजिए, 3 बैंक हैं, 324, 237, अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं। केरला में 400 वैकेंसी आ चुकी है, तो अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। तो वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। अभी मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता देता हूँ। देखिए, सिर्फ 2 सेक्शन हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। ऑफिसर स्किल 1 के लिए भी सेम सिलेबस है और असिस्टेंट के लिए भी सेम सिलेबस है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोनों के लिए अप्लाई कर दें, सही रहेगा। अलग अलग दिन में वैसे भी पेपर होना है, तो दोनों के लिए अप्लाई करके चलें, राइट? तो सबसे पहले चलते हैं क्वांट पे, या जिसको हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। थोड़ा जो डिफरेंस है आप कह लीजिए ऑफिसर के पेपर में और क्लरिकल जो असिस्टेंट का पेपर है, इतना ही है कि डिफिकल्ट है थोड़ा सा। जो पीओ लेवल का पेपर है, ऑफिसर का पेपर है, ऑफिसर स्केल 1, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, लेकिन अगर आपने तैयारी करी है तो हमेशा पीओ का पेपर जरूर भरें। बात करते हैं सिलेबस की, रेशियो पर वही सेम सा सिलेबस है जो पीओ लेवल का होता है। इसको चाहे क्वांट कह दें, चाहे न्यूमेरिकल एबिलिटी कह दें, बस डिफरेंस इतना होगा उसमें डीआई कम आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में, राइट? ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसमें डीआई कम होता है, जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, स्टॉक्स एंड शेयर्स वैसे बहुत कम आता है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पाइप्स एंड सिस्टम जो है, और टाइम एंड वर्क एक ही तरह का कॉन्सेप्ट यूज होता है, टाइम एंड वर्क मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये रिसेंटली मैंने अभी ये चैप्टर कवर करवाए हैं। एवरेजेस का भी मैंने 3 लेक्चर कवर करे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन अभी हम करना शुरू करेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड्स, ये भी आप कह लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस के साथ ही हो जाता है। परसेंटेजेस जो फ्रैक्शन वाला मेथड है, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह में यूज हो जाता है। पार्टनरशिप, ये मैं कवर करवा चुका हूँ अपने, अब मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें मैंने ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं कवर करे हुए हैं। इनमें से बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी मेरा रहता है, और ये टाइम एंड जो डिस्टेंस है ये वाला चैप्टर रहता है। क्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये ऑफिसर स्केल 1 का टॉपिक है, ये असिस्टेंट में ज़्यादातर नहीं देखा जाता, ये ऑफिसर स्केल 1 का टॉपिक है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों असिस्टेंट और स्केल 1 दोनों का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी, ये स्केल 1 का टॉपिक है, असिस्टेंट में ये ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट दोनों में आता है, एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। एलजेब्रा, ये भी स्केल 1 में ही आता है,
असिस्टेंट में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। डेटा इंटरप्रिटेशन भी स्किल वन में आता है, लेकिन आजकल असिस्टेंट में भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक हम सिंप्लीफिकेशन हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन छोड़ चुके हैं, थोड़ा सा वो लिखना बहुत ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन असिस्टेंट और स्केल वन और असिस्टेंट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 5 से 10 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 10 नहीं कहूँगा, 5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। मैंने अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन पे 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। डेटा सफिशिएंसी भी स्केल वन का टॉपिक है, असिस्टेंट का टॉपिक नहीं है। अब ध्यान से देखिए, स्केल वन और असिस्टेंट में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, प्रोबेबिलिटी, एलजेब्रा या डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो है असिस्टेंट में नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, ज़्यादातर स्केल वन में ही देखने को मिलते हैं। इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आजकल बहुत ज़्यादा आता है, बाइनोमियल भी आ सकता है, अगर पेपर को थोड़ा टफ किया जाए तो बाइनोमियल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक क्वाड्रेटिक से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है नहीं देखने को मिले। क्वाड्रेटिक पे मैंने 4 लेक्चर करे हैं एग्जैक्टली, इसमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो सीधा 5 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़रूर चारों के चारों लेक्चर देखिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको यहाँ साइड में मैं कार्ड में दे दूंगा, आपको यहाँ पे कार्ड मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, IBPS व्यू मेगा प्रिपरेशन सीरीज, यहाँ पे कार्ड पे क्लिक करें और आपको जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राइट। तो चलिए आगे बात करते हैं रीजनिंग की, स्केल वन की भी और ऑफिस असिस्टेंट की भी। प्री के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग, अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग कभी भी मिलती है तो ये तो आपके कह लीजिए भी बहुत बहुत आसानी से आप इसमें इसको स्कोर कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ 45 मिनट हैं, क्वेश्चन 80 हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आप कर भी नहीं सकते हैं। मतलब देखिए, अगर डेटा इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेंगे, तो आपका स्कोर 40-45 से भी आगे नहीं जा पाएगा, तो पास कुछ चांस ही नहीं बनेगा ना। आपने कोशिश करना है 80 में से 70 अटैम्प्ट करना है, 70, 60, 65, 70 इतना अटैम्प्ट करना है आपको। कट ऑफ बहुत हाई जाता है आजकल RRB स्केल वन का, तो कोशिश करें कि पजल्स जैसे क्वेश्चंस को छोड़ ही दे, मैं तो कहता हूँ। अगर ज़्यादा डिफिकल्ट पजल आती है तो कोशिश करें अवॉइड करने की, जबकि कोडिंग डिकोडिंग साइलॉग ऐसे क्वेश्चंस को कभी ना छोड़ें। कोडिंग डिकोडिंग अभी मैंने करवाना है, आने वाले 4-5 दिनों में मैं कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो है ये पकड़ूंगा। अभी तक के लिए साइलॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मैं 2 लेक्चर्स कर चुका हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये कोडिंग डिकोडिंग आती है तो सीधा 5 नंबर आज दे देते हैं, ये 5 नंबर का एक सेट दे देते हैं, इनके 5-5 नंबर के सेट आते हैं, जब भी आते हैं 5-5 नंबर के सेट आते हैं, तो 5 नंबर नहीं तो 0, 0 to 5 इसलिए मैं लिख देता हूँ। मशीन इनपुट आउटपुट बहुत आसान चैप्टर है, अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता है तो आपको देखने में लगेगा कि यार बहुत बड़ा चैप्टर है, ये क्या आ गया। तो 0 to 5 मार्क जो है मशीन इनपुट आउटपुट में से आ जाते हैं। पजल्स जो है ये आती हैं, मतलब इसका कुछ पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट, 45 मिनट में आप कितनी पजल्स कर सकते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नॉर्मल एक बड़ी पजल आ जाए तो उसको सॉल्व करने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, और कई बार 7-8 मिनट लगाने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिल पाता आपको, तो ये सोच समझ कर ही करें। कोई भी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट तभी पकड़ें अगर आपको 10 सेकेंड लगाएं उस पर, 10 सेकेंड लगाने के बाद अगर आपको लगे कि यार ये तो बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर 5 क्वेश्चन मेरे आ जाएंगे, तभी करें, नहीं तो ना करें, बहुत मुश्किल है। नहीं तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपने कभी भी नहीं छोड़ना है, अगर आ जाए 2 या 3 मार्क का आ जाता है नॉर्मली जब भी आता है, तो ये कभी भी नहीं छोड़ना है, बहुत आसान होता है। अगर आपने किया है तो 100% आपको इसका नंबर जो है, मार्क्स जो है, मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि स्टूडेंट गलत अटेम्प्ट करके आएगा, बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं कि आप अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ब्लड रिलेशन भी कह लीजिए, अगर इसमें से भी क्वेश्चन 2-3 मार्क के आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है, एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है इसमें, तो इसको भी बिल्कुल ना छोड़ें। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल ना छोड़ें ये वाले। तो मैं कहूँगा कि ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं, बहुत आसान होते हैं, बहुत जल्दी से सॉल्व होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 8-10 नंबर तो आपके यहीं पे बन जाएंगे, 8-10 आपके यहाँ पे बन सकते हैं, आप कह लीजिए 10-12 नंबर, 10-15 नंबर आपके यहाँ से बन सकते हैं, तो यहीं से आपने अपना कट ऑफ जो है वो क्लियर करना है। ये देखिए, ये वाले हो गए, और डेटा सफिशिएंसी आ गई, ये तब तो आपकी लॉटरी लगी। अगर ये 5 नंबर आ जाता है तो लॉटरी लगी, क्योंकि ये तो आपने सॉल्व करना ही नहीं है, आपने सिर्फ इतना बताना है कि क्या डेटा सफिशिएंट है या नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपको एग्जैक्टली पेपर में करना क्या है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन अजम्पशंस, ये पेपर में आजकल आने लग गया है,
ये नए पैटर्न के क्वेश्चन है, अभी अभी आने शुरू हुए हैं, पिछले 6-7 महीनों से जो पेपर आ रहे हैं उसमें आने शुरू हुए हैं। पहले ज़्यादा नहीं देखे जाते थे लेकिन अब बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। इस पे मैं सेशन करने वाला हूँ आने वाले 3-4 दिनों में। 3-4 दिनों में बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, दिन में 2 से 3 लेक्चर तक मैं करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। इंग्लिश की अगर बात करूँ, इंग्लिश के हमारे एनसीआर मैम टीचर हैं हमारे, तो बेसिकली इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, जितना हम पेपर को एनालाइज तो मैं करता ही हूं चाहे मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से आजकल थीम डिटेक्शन तक आने लग गया है। पहले सिंपल से क्वेश्चन आते थे लेकिन आजकल थीम पूछते हैं, थीम क्या है इसका, इसका टाइटल क्या होगा पूरे पैराग्राफ का, ऑथर की टोन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आ जाते हैं, वो कैब तो चलो आती जाती है इसमें से। वो कैब में हो नॉर्मली ये होता है कि आरसी में से ही वो कैब आ जाती है, 10 मार्क की आरसी होती है, उसके अंदर वो कैब भी डाल देते हैं, उसके अंदर से सेनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह सब कुछ उसके अंदर होता है। तो ग्रामर में स्पॉटिंग एरर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आते हैं 10 मार्क्स दे जाते हैं। और आज हमने सीरीज भी स्टार्ट करी हुई है स्पॉटिंग एरर्स की, मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं, हमने तकरीबन 8 सेशन जो है हम कर चुके हैं स्पॉटिंग एरर्स के। इसको ध्यान से प्लीज फॉलो कीजिए, रूल्स भी मैंने बताए हैं, पीडीएफ जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करें, डिस्क्रिप्शन देखना बहुत जरूरी है, उस पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स के लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पासिव वॉइस वगैरह आ जाती है, असिस्टेंट के एग्जाम में कभी कभार ये भी आ जाती है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पॉटिंग एरर और फ्रेजेस एंड इडियम्स इंपॉर्टेंट तो यही है। जनरल अवेयरनेस की बात करूं, मेंस के पेपर में आ चुके हैं, अभी हम मेंस पेपर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी जनरल अवेयरनेस को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, स्टैटिक जीके, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। अगर 100% मान लीजिए पेपर है, इसमें जो जो करंट अफेयर्स है ये आप कह लीजिए कि 40% करंट अफेयर्स आते हैं, 20 से 30% जो कह लीजिए कि आपकी बैंकिंग अवेयरनेस, 30 से 40 ही लगाइए, 40 से 50 करंट अफेयर्स लगाइए, और 20-30% आपकी स्टैटिक जीके आती है। पढ़नी कहाँ से, करंट अफेयर्स के लिए जीके डाइजेस्ट ऐप है, जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जीके डाइजेस्ट ऐप को इंस्टॉल करके रखिए, आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करके रखिए अपने फ़ोन पे, बहुत ज़रूरी है। अभी से जीके पढ़ना शुरू कीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि पेपर अगर एंड में अगर आप 1 हफ्ता 10 दिन पढ़ेंगे तो पास नहीं हो पाएगा आपका पेपर। अगर आप इंस्टॉल करके रखते हैं और रेगुलर 2-2.5 महीने 3 महीने पढ़ते हैं जीके को, तभी आप पेपर को पास कर पाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं तो एक कैप्सूल हम ज़रूर रिलीज करते हैं पेपर से पहले। आप ऐसा ना करें पुराने कैप्सूल ना पढ़ें, मेरे भी साइट पे कई बार पुराने कैप्सूल पड़े रह जाते हैं, पिछले साल के कैप्सूल स्टूडेंट अभी पढ़ रहे होते हैं, कई बार बेवकूफ़ी है ये, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। लेटेस्ट बैंकिंग अवेयरनेस के कैप्सूल पढ़ें, क्योंकि हम लेटेस्ट बैंकिंग के कैप्सूल में लेटेस्ट जो आरबीआई के नोटिफिकेशंस हैं, जो लेटेस्ट बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी कुछ हो रहा है उसका हम कैप्सूल बनाते हैं, तो सिर्फ वो ही पढ़ें, पुराने कैप्सूल ना पढ़ें, सही नहीं है वो। स्टैटिक जीके ये पुरानी आप पढ़ सकते हैं क्योंकि स्टैटिक जीके तो चेंज होती नहीं है, लेकिन स्टैटिक जीके में भी एक ये पॉइंट आ जाता है कि ऐसी स्टैटिक जीके का कुछ ऐसा पॉइंट जो आजकल जो जो मार्केट में चल रहा है, जो आप कह लीजिए कि जो न्यूज़पेपर में बहुत आ रही है जो चीज़, अगर स्टैटिक जीके से कुछ रिलेशन रखती है तो उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं, राइट? तो ये चीज़ का एक ध्यान में रखिए। चलिए कंप्यूटर नॉलेज की तरफ आते हैं। कंप्यूटर नॉलेज की मैंने बहुत अच्छी एक पीडीएफ बना के रखी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे स्मार्ट प्रेप किट का पार्ट है स्टूडेंट्स, पहले मैं क्लियर कर दूं आपको। इसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत कुछ आ जाता है कि और बेसिकली ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस ऑफिस, इसको एक ही पार्ट माने। जैसे स्पेलिंग, जो स्पेल चेकर होता है वो कहाँ पे होता है, रेफरेंस में होता है, फाइल में होता है, एडिट में होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, क्यों अगर आप करने बैठेंगे एमएस एक्सेल, इसमें इतना कुछ है। एमएस एक्सेल में आप कह लीजिए कि मैक्रोज होते हैं, इसमें फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत कुछ होता है, तो सॉर्टिंग वगैरह होती है, उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है कि आप वहाँ पे डंब होके बैठ जाएंगे, यार ये क्या पूछ लिया। तो कोशिश करें एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जो है नॉलेज रखें पेपर में। एक दो क्वेश्चन तो कोई भी पेपर देने बैठ जाए जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस है, एक दो क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आएंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर में से आज भी क्वेश्चन आते हैं, पहले बहुत ज़्यादा आते थे लेकिन आज भी क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रिंटर की टाइप्स क्या है, एक बार पीछे पीछे क्वेश्चन आया था, अगर आप अपने कंप्यूटर में से रैम निकाल देते हैं तो क्या होता है, डीडॉस क्या होता है, एक वो क्वेश्चन आया था।
ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ होता है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ ऐसे कुछ भी होता है, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ये ऐसे अपना ध्यान में रखें, बेसिक से बेसिक हार्डवेयर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इंटरनेट टर्म्स जैसे जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, बहुत ट्रेंडिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि बिटकॉइन क्या है। इट इज़ अ काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, इट इज़ अ नॉर्मल करेंसी, इट इज़ अ काइंड ऑफ वायरस, आपसे पूछा जा सकता है बिटकॉइन क्या है। आई थिंक एक बिटकॉइन के साथ और भी दो तरीके, दो तीन क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर है, इथेनियम है, इथेरियम शायद, मेरे को नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। तो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी आपसे पूछा जा सकता है कि ये चीज़ क्या है, बिटकॉइन क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, पूछा जा सकता है कि रैनसमवेयर क्या है, रैनसमवेयर और वॉर्म में क्या डिफरेंस है, वॉर्म और वायरस में क्या डिफरेंस है, इनमें से कौन सी चीज़ अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, वॉर्म करती है, वायरस करती है, रैनसमवेयर करती है, इनमें से कौन सा एक जो एक क्या कहते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो एक वायरस है या जो एक वॉर्म है, ट्रोजनोर्स क्या है, ट्रोजनोर्स क्या वो एक वॉर्म है, क्या वो एक वायरस है, क्या वो एक रैनसमवेयर है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट, थोड़ा सा कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ लें, एक दो क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। अगर कंप्यूटर अवेयरनेस एक सेक्शन है, बेसिकली पूछा जाता है कि वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में यूज़ की जाती थी, या आईसी जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स वो कौन सी जनरेशन में यूज़ करने शुरू हुए। राइट, तो ये बेसिक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार यही पूछा जाता है। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी आ जाता है, कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं अलग अलग, और जो वेरियस डिवाइसेस होती हैं नेटवर्किंग की, अब कह लीजिए मॉडम्स होते हैं, राउटर्स वगैरह, गेटवेज, तो इन सब के बारे में पूछ लिया जाता है, वेरियस नेटवर्किंग टर्म्स के बारे में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस में से अगर मैं बोलूँ तो ओरेकल में से भी, ओरेकल के बेसिक्स पढ़ लें, 4-5 पेज पढ़ें, ज़्यादा बड़ी बुक ना पढ़ें। बेसिक डेटाबेस में से डेटाबेस की क्यूरीज भी पूछे जाने लगी हैं आजकल, की डेटाबेस का टेबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है, तो ये सब के बारे में पूछ लिया था। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं एमआई सीक्वल जो है ये क्या है, या एंजिनिक्स जो है, एंजिनिक्स ये क्या है, एंजिनिक्स क्या है, अपाचे क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है अपाचे क्या है, ये सर्वर को मैनेज करने का ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट, तो इतना सा थोड़ा सा ध्यान में रखें, आपसे भी ये पूछ लिया जाएगा एंजिनिक्स क्या है, अपाचे क्या है। आपको देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ का ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है आपको ये सब चलाना आना, चलाना सीखना नहीं है आपको, ये लैंग्वेजेस नहीं सीखनी है आपको, बस ये पता होना चाहिए कि भाई एंजिनिक्स है क्या, एक्चुअल में अपाचे है क्या, ये C++ है, आपको C++ सीखना नहीं है, आपको ये पता करना है कि क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कौन से साल में स्टार्ट हुई थी, अभी यूज़ होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है। एक जनरल नॉलेज के, आप कह लीजिए आपको जनरल नॉलेज चाहिए, आपको कोई वर्किंग नॉलेज नहीं चाहिए ये C++ एंजिनिक्स अपाचे। आजकल इनमें से बहुत क्वेश्चन आने लग गए हैं, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था कि भाई ये बताइए कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, पास्कल उसका आंसर था वैसे, लेकिन बात वही होगी ना, आपने शायद पास्कल जरूर पढ़ा होगा, बट आपको पास्कल के बारे में क्या पता है, थोड़ा सा इन डेप्थ जाइए, थोड़ा गहराई में जाइए, पढ़िए इसके बारे में, पास्कल है क्या, किस तरह की लैंग्वेज, आपको इसकी कोई भी कोडिंग नहीं पढ़नी है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा इसके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन जान लीजिए, C++ पास्कल एंजिनिक्स अपाचे इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। बेसिक्स ऑफ हैकिंग सिक्योरिटी टूल वायरस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये जब से रैनसमवेयर का वो सीन हुआ था थोड़े 1-2 महीने पहले, तब से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग गए हैं, हैकिंग सिक्योरिटी टूल वायरसेस, रैनसमवेयर, क्रिप्टो करेंसी आजकल वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रैनसमवेयर, एक क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत मार्केट में, बहुत न्यूज़पेपर में चल रहा है। तो ये दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाइए, ठीक है। डिटेल का मतलब ये नहीं है कि पूरी पूरी किताबें पढ़नी है, डिटेल का मतलब है 3-4 पेजेस पढ़ने हैं, मेरी बातों को लोग कई बार ज़्यादा सीरियसली ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है अभी तक नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं आपके हर कॉमेंट का रिप्लाई करूंगा आज। एंड स्मार्ट प्रेप किट बंडल है वो IBPS RRB के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, RRB के लिए सफिशियंट है, अगर आप प्री का पेपर दे रहे हैं, चाहे ऑफिस असिस्टेंट का दे रहे हैं, चाहे स्केल 1 का दे रहे हैं, उसके लिए प्रेप किट का बंडल मोर देन सफिशियंट है। जीके डाइजेस्ट के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखिए, और अगर आप RRB की तैयारी कर रहे हैं तो मेगा प्रिपरेशन कोर्स भी आपके लिए सफिशियंट है। जो टेस्ट सीरीज है उस पर अभी हम काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड मे भी हो सकता है आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर जो है हम RRB की टेस्ट सीरीज, RRB प्लस इसरो इसरो की भी टेस्ट सीरीज जो है हम लॉन्च करेंगे, पक्का लॉन्च करेंगे।
इसरो स्टूडेंट्स, देखिए इसरो में ज़्यादा स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये पेपर बहुत आसान है, बहुत आसानी से लोग क्लियर करते हैं। एंड मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ये इसरो का पेपर भी निकालें, आरआरबी का पेपर भी निकालें। तो शाम को एक सेशन करेंगे जिसमें मैं पिछले साल का इसरो का पेपर था, मैं उसका पूरा सॉल्व करूँगा, लाइव सॉल्व करेंगे, वहीं पर आपके सामने बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है यार मेरे लिए। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत सारे 50% से ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर लाइक नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये वाला सेशन पसंद आया कि पिछला सेशन पसंद आया। आपकी जो लाइक्स को देख के ही मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं कि ठीक है, ये लोग, मेरे जो सारे रीडर्स हैं वो भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या इसरो की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके लाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि यस स्टूडेंट, मैं व्यूज़ नहीं देखता हूँ, पहली बात स्टूडेंट मैं व्यूज़ नहीं देखता हूँ, व्यूज़ इट इज़ अ फिक्टिशियस नंबर। चाहे 100 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, चाहे 1,000 देख रहे हैं, चाहे 10,000 स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या उन 100 स्टूडेंट्स में से 90 स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छा लगा, इम्पॉर्टेंट लगा। अगर मेरा आंसर यहाँ है, 95 स्टूडेंट को ये अच्छा लगा, तो मैं उस पर और काम करता हूँ। अगर ये नंबर 90 से कम आ जाता तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मैंने कुछ गलत कर दिया, तो सही करना चाहिए था, तो फिर मैं वो चीज़ नहीं करता, राइट? तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। अभी मैं 2 वीडियोज़ करना स्टार्ट कर रहा हूँ दिन में, आगे मैं 3 से 4 भी कर पाऊँ अगर ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्मार्ट प्रेप किट, ये इसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वैसे आप प्रेप किट bankexamstoday.com पे जाइए, bankexamstoday.com पे जाइए और आपको ये पूरा बंडल जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल कल फिर से मुलाकात होगी, कल नहीं वैसे एग्जैक्टली शाम को फिर से मुलाकात होगी इसरो के पेपर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।